हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि महिलाओं में जो आजकल थायराइड से ज़्यादा बढ़ रहा है, महिलाओं में थायराइड विकार काफ़ी आम होता जा रहा है दोस्तों, लेकिन नियमित योगाभ्यास और ध्यान से अगर इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है योगासन के द्वारा भी, और साथ में आप डॉक्टर की परामर्श भी जरूर लें और योगासन भी करें और डॉक्टरों की दवाई भी जरूर लें। तो दोस्तों, थायराइड के उपचार थायराइड ग्लैंड को स्वस्थ रखने और उसके फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए योग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण प्राणायाम, आसन और व्यायाम है, जिनके लगातार अभ्यास से हाइपर और हाइपोथायराइड दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव और आहार एवं शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन लाकर थायराइड से संबंधित समस्याओं और लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। इस योगासन करने से आपके आपके शारीरिक शरीर को ही लाभ नहीं होगा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि अगर हमें थायराइड है, नहीं भी है तब भी योगासन करने चाहिए, लेकिन अगर आपको थायराइड है तो सबसे पहले उजाई आसन जो होता है दोस्तों, उजाई प्राणायाम सांस की ऐसी क्रिया है जो गले पर स्थित थायराइड ग्लैंड पर कार्य करती है। इसको करने के लिए सर्वप्रथम सीधे बैठें, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और दोनों नाशिका से सांस को इस प्रकार भरें कि गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ जैसे कि कबूतर करता है वैसी ध्वनि प्रकट हो, लेते हुए भी और छोड़ते हुए भी। इसको करते हुए गले की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आवाज़ बेहतर होती जाएगी। दूसरा है दोस्तों, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत किसी स्थिति में आराम से कमर एवं गर्दन को सीधा रखते हुए बैठें, दोनों हाथों की पहली उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर से दोनों कानों को बंद कर लें, आँखों को बंद कर लें और गले पर ध्यान लगाएं। ध्यान रखें, गले पर विशुद्धि चक्र भी होता है, गले में ही थायराइड ग्लैंड भी है, वहाँ पर हमें ध्यान लगाना है और माँ की ध्वनि निकालनी है यानी गुंजन करना है। ना समझ में आए दोस्तों तो ओम का गुंजन भी किया जा सकता है, ज़्यादा जोर ना लगाएं, धीमी आवाज़ और सुखद मधुर स्वर इसमें होना चाहिए, ऐसा अनुभव हो कि वह पूरे शरीर में स्फुर्त हो रहा है। अगला है दोस्तों सिंहासन। सिंहासन को करने के लिए पंजे और एड़ी के बल बैठ जाएं, दोनों घुटनों को खोल लें और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें। इसमें संतुलन बनाना पड़ेगा, अगर आप संतुलन नहीं बना पाई तो किसी सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, कमर को सीधा रखें और गर्दन को आगे नीचे की ओर झुकाएं, जीभ को अधिकतम बाहर निकालें, अपने दोनों आँखों से दोनों आईब्रो के बीच में रखते हुए गले में ह की ध्वनि निकालें। इस क्रिया के अंतर्गत सांस लेने की क्रिया साइलेंट रहेगी, सांस छोड़ने की क्रिया ह के साथ की जाएगी। इसको कम से कम 3 से 4 बार करना है। अगला है आसन है दोस्तों ओम का। अगला है ओम का उच्चारण। सुबह के समय जब मन और प्रकृति शांत हो, किसी ध्यान आसन में बैठकर ओम का उच्चारण करें, ओम को बोलें और माँ का गुंजन करें। आंखें बंद रखकर गले पर ध्यान लगाएं। इस क्रिया को करने से भी थायराइड ग्लैंड पर वर्कआउट होता है और नतीजे बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल महिलाओं में थायराइड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम महिलाएं क्या करती हैं ना, पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं लेकिन अपना ख्याल नहीं रख पाती। हम महिलाओं को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले पानी पीकर और सबसे पहले थोड़ा सा टहल कर उसके बाद थोड़ा सा योगा ये आसन जरूर करें। 15 मिनट कम से कम अपने लिए भी जरूर निकालें, तभी महिलाएं अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी माई चैनल। थैंक यू।